नुपुर शर्मा, उनके ऊपर सारे दोष मढ़ देना, कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या, उनकी नृशंस हत्या, गला रेत करके उनको मार दिया गया, और उसके बाद में यह कहना कि कन्हैया लाल की मौत की दोषी तुम हो नुपुर शर्मा, आज भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरी दुनिया हंस रही होगी। नमस्ते दोस्तों, 3 दिन पहले लाइव आया था आप सबसे बात करने के लिए, जब उदयपुर में एक नृशंस हत्या की गई, गला रेत करके कन्हैया लाल जी को मार दिया गया था। उस दिन मैंने आपको लाइव के बीच में बताया था कि मेरे को थ्रोट और ईयर इन्फेक्शन हो गया है, एक कान में लगभग आवाज आनी बंद हो गई है और गले में भी बहुत पेन था। डॉक्टर ने मेरे को कम्प्लीट बेड रेस्ट बोला था, आवाज को आराम देने के लिए कहा था, वोकल कोर्ड्स को आराम देने के लिए बोला था। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है अगले हफ्ता या 10 दिन तक मैं लाइव नहीं आऊंगा और शायद वीडियो भी नहीं शूट करूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी आवाज को आराम देना है, लेकिन कुछ बड़ा होगा तो मैं अवश्य आपके सामने लाइव आऊंगा या वीडियो के माध्यम से आऊंगा। आज मैं फिर से गया था डॉक्टर के पास, मैं अस्पताल गया था अपनी रिपोर्ट्स लेकर के। बड़ा अजीब सा वाक्य हुआ, जब मैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर कहते, हां जी आप कौन? मैंने कहा जी मैं शुभम मंगला। बोले क्या हुआ? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है और ये रिपोर्ट्स है मेरी, जरा देख लीजिए। बोले आपको कोई बीमारी नहीं है, आप खुद एक बहुत बड़ी बीमारी हो और पूरे भारत का माहौल आपके कारण बिगड़ा हुआ है, आप अपने आप में एक बीमारी हो और समाज में अराजकता फैली हुई है आपके कारण। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्या हो गया? बोले आपको पता नहीं, अभी कुछ दो भेड़ियों ने एक इंसान को खा लिया, राजस्थान में उदयपुर में दो भेड़िए मिलकर के एक इंसान को खा गए, उसकी जिम्मेदार आप हो शुभम जी। मैंने कहा मैं कैसे? बोले आप ही जिम्मेदार हो, और आप एक काम करो, लाइव आते हो ना तो फटाफट लाइव आओ और जाकर के पूरे देश से माफी मांगो, आप सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं हो, आपको पता नहीं किस बात का गुमान है, किस बात का गुरूर है, और पता नहीं अंडशन डॉक्टर साहब बोलने लग गए लगातार। मैं बोलता रहा डॉक्टर साहब मेरी बीमारी। बोले बीमारी की बात नहीं करेंगे, बाकी दुनिया की सारी बातें करेंगे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी हो। तो मैं डॉक्टर साहब इलाज तो कर दो मेरा, जो मैं दरख्वास्त लेके आया हूं, जो मैं अर्जी आपके पास लेके आया हूं। बोले वो हम नहीं करेंगे, हम बहुत बड़े सर्जन है, हम ENT स्पेशलिस्ट है और हमारा अस्पताल बहुत बड़ा है, तुम्हारी जो छोटी मोटी जो भी तुम्हारा रोना है इसको तुम निचली बेंच में, मतलब कि निचली बेंच कहें तो मेरे जूनियर्स से बात कर लो, मेरे कंपाउंडर मेरे नर्स जो होंगे वो तुम्हारा देख लेंगे ट्रीटमेंट। अब मैं मन में सोच रहा था कि डॉक्टर ऐसा है तो इसके जूनियर कैसे होंगे और वो इससे बाहर जाके क्या मतलब क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या इलाज करेंगे, इनके प्रभाव में ही तो करेंगे सारा काम इसके कंपाउंडर इसके नर्स जो होंगे। खैर डॉक्टर ने मेरे को वहां से मेरी बीमारी के ऊपर बात ना करके दुनिया की सारी गालियां मेरे को दी, दुनिया की सारी गंदी बातें मेरे को बोल दी, दुनिया की सारी इल्जाम मेरे पे मढ़ दी और ये कह दिया कि शुभम जी तुम्हारे कारण समाज में जंगली नरभक्षी भेड़िए हैं जो कि इंसानों की हत्या कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने कहा सर जी मैं तो गला और कान चेक करवाने आया हूं। बोले वो नहीं चेक होगा, वो तुम निचली बेंच में जाओ, नीचे हमारे कंपाउंडर देख लेंगे, हमारा मत टाइम वेस्ट करो। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब चलो मेरी किसी बात से आपको अभी आपत्ति होगी, लेकिन एक चीज बताइए, फरीदाबाद वाली निकिता तोमर उसको भी कुछ भेड़िया खा गए थे, क्या उसका दोषी मैं हूं? अंकित सक्सेना उसको भेड़िया खा गए थे, क्या उसका दोषी मैं हूं? चंदन गुप्ता उसको भेड़िया खा गए थे, क्या उसका दोषी मैं हूं? ध्रुव त्यागी उसको भेड़िया खा गए थे, क्या उसका दोषी मैं हूं? डॉक्टर नारंग वो अपने बच्चे के साथ दिल्ली में खेल रहे थे, अपने घर के अंदर खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी बॉल बाहर चली गई अपने घर से और जरा सी बात पे कुछ कुत्ते कुछ भेड़िया आके उनको खा गए मार दिया, क्या उसका दोषी भी मैं हूं? डॉक्टर साहब के पास में कोई जवाब नहीं था इन सब बातों का, बोले कि टाइम मत वेस्ट करो, निचली जगह जाओ, कंपाउंडर से इलाज करवाओ और फटाफट लाइव आके पूरे देश से माफी मांगो, तुम सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं हो। दोस्तों डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ऐसे ही हमारी न्याय प्रणाली में हमारे माननीय न्यायालय, हमारे न्यायाधीश, हमारे जजेस, उनको भी हम मिलोर्ड बोलते हैं, माय लॉर्ड बोलते हैं, वो भी भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर जो हमें जीवन दान देता है और न्यायाधीश न्याय व्यवस्था जो हमें जीने का हक देती है, एक न्याय की उम्मीद देती है। आज भारत की न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, आज भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐसा काला दिन है, नुपुर शर्मा उनके ऊपर सारे दोष मढ़ देना, कन्हैया लाल जी की निर्मम हत्या, उनकी नृशंस हत्या, गला रेत करके उनको मार दिया गया और उसके बाद में यह कहना कि कन्हैया लाल की मौत की दोषी तुम हो नुपुर शर्मा, आज भारत की न्याय व्यवस्था पे पूरी दुनिया हंस रही होगी। पूरे देश का मूड क्या है क्या ये मिलोर्ड नहीं जानते? पूरे देश का मूड अगर आज कोई देख रहा है तो वो अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि क्या वाकई नुपुर शर्मा दोषी है,
या वो मानसिकता दोषी है जो कहते हैं सरतन से और कितने सारे हादसे मैंने बताए अभी, कितने सारे नाम आपको गिनाए, अगर ये सूची लेकर के बैठे तो इनका नामों का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हो, कितने नाम गिनाए, कमलेश तिवारी हो, दुनिया भर के नाम गिना सकते हैं उंगलियों पे लेकर के, मंगोलपुरी वाला रिंकू हो, नीतू हो, कितने नाम गिनाए, क्या उन सबकी दोषी भी रूपर शर्मा है? ये किस तरह के लॉजिक आज दिए हैं, किस तरह की स्टेटमेंट दी गई है, किस तरह की टिप्पणियां की गई है, मैं दोनों हाथ जोड़ के हमारे भारत की न्याय प्रणाली न्याय व्यवस्था में अगर कोई सुन सकता है, अगर अस्पताल की बात करें डॉक्टर से ऊपर अगर अस्पताल का कोई डीन है, इसी तरह से भारत की न्याय प्रणाली में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी उनपे अंकुश लगा सके, सुओ मोटो ले सके, स्वतः संज्ञान ले सके, या मेरे अभी संज्ञान में आया है कुछ अर्जियां भी दाखिल हुई है वहां पे सीजेआई के पास में, उनको इसमें इंटरफेयर करना होगा और कड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिनको हम देवता मानते हैं अगर डॉक्टर इस तरह का व्यवहार करेंगे जैसा कि मैंने अभी कहानी के माध्यम से बताया, या जजेस इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों का भरोसा अपने भगवान से उठ जाएगा, ना तो डॉक्टर का सम्मान किसी के दिल में बचेगा, ना ही न्यायाधीशों का सम्मान किसी के दिल में बचेगा। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई से करबद्ध निवेदन है, जो याचिकाएं उनके पास में गई है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। और हां, आज के इस पूरे कोर्ट के एपिसोड में बहुत सारी टिप्पणियां की जजेस ने, लेकिन मेरे को एक टिप्पणी बहुत ज्यादा पसंद आई, एक टिप्पणी जिसमें जज ने यह बोला था कि ताकत का गुरूर हो जाता है, किसी किसी के सर पे चढ़ जाता है ताकत का गुरूर, और ताकत के गुरूर में ये सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, हम ही भगवान है, हमारे पास बैकअप है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जज साहब ने यह बिल्कुल सही कहा था, किसके लिए कहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आज उनकी यह टिप्पणी उन्हीं के ऊपर फिट बैठती भी लगती है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल संकट में है, 3 महीने का बैन ऑलरेडी हम लोग झेल रहे हैं, शैडो बैन में चल रहा है, 10 दिन में 3 वीडियो 3 चैनल रोक दिए गए, परसों वाला वीडियो भी हमारा उड़ा दिया गया, ऐसे में 10-15 दिन में लाइव नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत मुश्किल में मैं अभी बात कर रहा हूं, पेन किलर खाकर के ये वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। आप लोग साइबर सिपाही को अपना सपोर्ट देते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लोगों को चैनल से जोड़ते रहिएगा। देश के हालात जो हैं आपके सामने हैं, जो देश की बात करे, जो शांति बनाए रखने की बात करे, जो शांति पूर्वक आंदोलन करे, हजारों की संख्या में सड़क पे आ जाए और एक कंकर ना उछाले, उनको कह देते हैं कि आप असामाजिक अराजक तत्वों, और जो देश में आगजनी करे, बसे ट्रेने सब जला दे, सब फूंक दे, उनसे डर के शांति प्रिय, असली शांति प्रिय लोगों को कहा जाता है कि आप देश का माहौल बिगाड़ रहे हो, और जो देश को जला रहे हैं उनको कह देते हैं शांति प्रिय कौम के व्यक्ति। अपने विचार दीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।